हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खाना जायकेदार। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी। ये आप किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, या फिर अभी न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। और ये एगलेस केक हम बनाने जा रहे हैं। ये अच्छा स्पॉन्जी बनता है और हम माइक्रोवेव में नहीं बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं। सभी घरों में माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे समय में कुकर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आज हम कुकर में ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए ये पहले स्पॉन्ज केक हम बना लेंगे, उसके बाद में हम इसकी करेंगे आइसिंग। तो हमने ये लिया है 1 कप मैदा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, दिस इज अनफ्लेवर्ड ऑयल, 1/2 कप कंडेंस मिल्क लिया है, 1/2 कप हमने पाउडर शुगर ली है और 1/2 कप में हमने मिल्क लिया है। सबसे पहले हम मैदा छन्नी में डाल लेते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं, इसको छान लेंगे हम। उसके बाद में हम बढ़ते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये हमने मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हमने छान के अच्छी तरह मिला लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस। हमको जैसे माइक्रोवेव प्री हीट करना पड़ता है, वैसे ही कुकर में बनाने के लिए हमको कुकर को भी प्री हीट करना पड़ेगा। ये मैंने कुकर लिया है, इसमें मैंने नीचे 1 कप नमक डाला है। ये देखिए, नमक से टेम्परेचर मेंटेन होता है। और ये मैंने एक रिंग डाला है इसके अंदर, ताकि हमारा केक पॉट डायरेक्ट नमक से टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। इसको हम गैस पे रख के गैस ऑन करेंगे और फुल गैस फ्लेम में 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। ये मैंने गैस ऑन कर दिया है, इसका ढक्कन बंद कर दूंगी कुकर का। और ये हमारा केक पॉट है, मैंने 6 इंच का पॉट लिया है, इसको मैंने ग्रीसिंग किया है और मैदे से डस्टिंग किया है। अब हम इसमें डालेंगे बटर पेपर और उसके ऊपर हम केक का बैटर डालेंगे। अब हम बढ़ते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे शुगर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमने चीनी और ऑयल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध भी ऐड कर लेते हैं और दूध भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा फ्लफी होने तक के हमको इसको मिक्स करना है। ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अभी हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्प्स रह जाते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बाकी का बचा भी मैदा हम मिक्स कर लेते हैं
और इसको फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से थोड़ा सा बीट कर लेंगे। ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको पोर करेंगे हमारे केक पॉट में। ये देखिए मैंने इसमें बटर पेपर नीचे लगाया है, उसमें भी मैंने ग्रीसिंग की है। अभी हम इसको पोर कर लेते हैं। और हमारा कुकर प्री हीट ऑलरेडी हो गया है, उसमें हम रख देंगे इसको। इसको हम कुकर में डालने के पहले थोड़ा टैप कर लेंगे, एयर बबल्स निकल जाएंगी। अब हम इसे कुकर में सावधानी से रख देते हैं। इसको हम सेट करेंगे 35 से 40 मिनट्स के लिए। ये हमने पॉट रख दिया है। अब इसको हम ढक्कन बंद करेंगे। सीटी हटा दी हमने। इसको 35 से 40 मिनट्स के लिए हम बेक कर लेंगे। ये हमारा स्पॉन्ज केक रेडी हो गया है। इसको बेक होने में मुझे 45 मिनट्स का समय लगा है। 40 मिनट्स में मैंने कुकर खोल के देखा था, ये थोड़ा कच्चा था। फिर 5 मिनट्स मैंने और कुकर बंद करके बढ़ा दिए। तो अब ये देखिए अच्छा स्पॉन्जी हो गया, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। अब हम करते हैं फ्रॉस्टिंग की तैयारी। फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने ली है 200 ग्राम व्हिप क्रीम ली है। ये रेडीमेड व्हिप क्रीम मार्केट में अवेलेबल होती है। ये मैंने 100 ग्राम शुगर लिया है, 200 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है जिसके मैंने थोड़े पीसेस करके रखे। इसको हम मेल्ट कर लेंगे। और ये मैंने पील करके बारीक किया है, इसका ग्रेट किया है। यानी 50 ग्राम मैंने बटर लिया है। ये हमारा केक दो लेयर में बनेगा। ये देखिए मैंने इसकी दो लेयर काट दी है इस तरह से। ये रिवॉल्विंग प्लेट में मैंने एक पोर्शन रख दिया है। साइड में मैंने एक्स्ट्रा गिरेगा इसके लिए मैंने बटर पेपर रख दिया है। अब हम तैयारी करते हैं फ्रॉस्टिंग की। ये हमने व्हिप क्रीम डाली है, नीचे बाउल में आइस डाला है ताकि कूलिंग रहे। ये हम इसमें बटर भी डाल लेते हैं और इसको बीट कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट बीट करते हैं। ये क्रीम हमारी थिक हो गई है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, आइसिंग शुगर। और कुछ ड्रॉप्स डालेंगे वेनिला एसेंस के। इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। चलिए फ्रॉस्टिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम अपने केक का जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे शुगर सिरप की। ये मैंने सिंपल शुगर सिरप बनाया है। 2 टीस्पून मैंने शुगर डाली है और एक छोटा आधा बाउल मैंने पानी डाल के जस्ट गरम कर लिया है। 1 टीस्पून हनी डाला है। इससे हमारा केक अच्छा सॉफ्ट रहेगा और थोड़ी मिठास भी बनी रहेगी। चलिए हमने ये कोटिंग कर दी है। अब हम इसके ऊपर आइसिंग करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेयर हम पूरा कवर कर लेते हैं आइसिंग से।
ये फर्स्ट लेयर की कोटिंग हो गई है। अब हम बिछाते हैं सेकेंड लेयर। इसको हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप की कोटिंग करेंगे और फिर क्रीम लगाएंगे। ये देखिए हमने पूरा कोटिंग कर लिया है इसको। इसको हम अच्छा लेवल में भी कर लेंगे स्क्रैपर प्लेट से। ये चॉकलेट हमने पील करके रखा है, हम इसको साइड में ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। ये हमने चॉकलेट मेल्ट की है, इसमें हम मिलाएंगे अपनी व्हिप क्रीम और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर कोन में पाइपिंग बैग में डाल के हम केक को डेकोरेट करेंगे। ये हम पाइपिंग बैग से ऐसे एक डिजाइन बनाएंगे। ये साइड में भी करेंगे। ये देखिए हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक बनके तैयार है। ये मैंने चॉकलेट क्रीम जो बनाई थी उससे मैंने ये डेकोरेट किया है। एक बीच में चेरी लगाई है और जो चॉकलेट पील किया था वो मैंने साइड में स्प्रेड किया है। डेकोरेशन तो आप अपने मनचाहा कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है। कैसे लगी आपको ये मेरी रेसिपी, फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।